सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है एक नए व्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10:15 और हम निकल रहे हैं स्विमिंग पे, क्योंकि स्विमिंग के बाद फिर काम के लिए निकल रहे हैं। और पता नहीं होती है कि बारिश कब हो जाए, कब नहीं हो। कोशिश तो यही हुई है बारिश की, जैसे हमारे काम नहीं पड़ सके सारे। मैं पूल में भी तैर रहा था और तैरते तैरते सारे बादल पूल पे आ गए। इसलिए बाहर आया हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। देखो ये क्या दिख रहे हैं आपको, पता है? ये फॉग नहीं है, बादल है। मेरा पूल देखो, सारे बादल पूल पे ही आ गए। वहाँ तक का पूल का ही क्लियर नहीं दिख रहा। ये देखो ये सब बिल्डिंग आपने देखी होंगी मेरे पिछले किसी व्लॉग में, बट दिख अभी कुछ भी नहीं रहा है। ये देखो टोटली गायब है जन्नत। ऐसे मौसम में रहो बताओ, अगस्त चल रहा है और सर्दियाँ नहीं आई हैं, क्योंकि पूल का पानी गर्म है। पूल का पानी अभी गर्म है, मगर फिर भी आप देखो तैरने में मज़ा आ रहा है यहाँ पे ऐसे टम माहौल में। तो स्विमिंग से हम आ गए, जूस बना लिया और बाकी हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा लिए। अभी सामान पैक करके निकल रहे हैं। अभी रास्ते में से भैया को भी लेना है, क्योंकि वो भी साथ चलेंगे, उनका भी एक काम है तो वो भी कराना है। बाकी सोच रहा हूँ बाइक में ऑयलिंग वगैरह का काम भी ख़त्म करा लो, क्योंकि बारिश तो चल ही रही है तो ऑयलिंग करानी ज़रूरी है। हुआ क्या है, गाड़ी में ना ये जो मीटर वायर होता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है उसमें दिक्कत आई है, जिसकी वजह से देखो ये रीडिंग कुछ नहीं आती है। 0 पे स्पीड चल रही है, तो स्पीड भी पता होनी ज़रूरी है, कि मुझे आइडिया नहीं रहता। बाकी जिस रोड से भैया बुला रहे हैं उस रोड से मेरा जाने का मन नहीं है। इतने ब्रेक, मतलब इतने ज़्यादा गड्ढे हैं उसके अंदर कि हर समय ब्रेक लगाने पड़ते हैं। फिर देख रहे हो रोड की हालत, ऐसा साला कुछ नहीं निकल सकता, बाइक भी निकलना मुश्किल है यहाँ से, इतनी कीच में से चॉकलेटी वाटर। अब देखो भाई लोगों, GoPro से विदाउट एक्सटर्नल माइक रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि आवाज़ कैसी आएगी। तो आप लोगों को ही पता होगा कि आवाज़ कैसी आएगी। कहीं भी कोई भी ब्रेक मार देगा, जहाँ जिसका मन करेगा वहाँ वो ब्रेक मार देगा। बाकी देखो रोड बनाने के चक्कर में सारे पेड़ों का सत्यानाश मार दिया, सब पेड़ तोड़ दिए। इतनी ब्यूटीफुल जगह थी ये, मैंने घर भी स्पेशली इस जगह से लिया था, क्योंकि ये एक तो बिल्कुल ये हमारे सिटी के बिल्कुल सबसे ऊपर वाले हिस्से में था, और दूसरा यहाँ बहुत अच्छा वेजिटेशन था, पेड़ बहुत सही थे यहाँ पे। अब कुछ नहीं है, रोड बनानी है, 4 लेन रोड बना दो, आना जाना सारा किसी को है नहीं इस रोड पर। ये हेलीपैड है, यहीं से सारी यात्रा वगैरह जाती है, जो 4 धाम की यात्रा करते हैं ना, तकरीबन शायद 4 धाम की यात्रा का 2.5 लाख रुपए के आसपास का फेयर है एक बंदे का, तो खैर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। मगर हाँ ये जिनको अपने बड़े बुजुर्गों को और बाकियों को यात्रा वगैरह करानी है, तो एक ही बार में 4 धाम यात्रा, मतलब गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, 4 धामों की जो ये यात्रा अच्छे से हो जाएगी। हाँ कॉस्टली तो है भैया। अच्छा ये वाली जो रोड आप देख रहे हो ना, ये मेरी वन ऑफ दी फेवरेट रोड है बाइक और कार दोनों ड्राइव करने के लिए, क्योंकि बहुत स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। अब देखो ये देख रहे हो, गाड़ी न्यूट्रल में चला रहा हूँ मैं, अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, चक गाड़ी चलती है, हैंडल भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, गाड़ी अपने आप लेके चलती है। अरे देखो व्यू, ये अब भी पुरानी वाली जीप चलती है यार, इनका मुकाबला नहीं है। 4x4 नहीं, ये तो जीप नहीं है भाई साहब, ये तो बुलेरो है। मैं कंफ्यूज हो गया पीछे से इसका वो कवरिंग देख के, चंडीगढ़ नंबर बुलेरो है ये तो, मगर भाई साहब बुलेरो गाड़ी का भी जवाब नहीं है। वैसे जो सर्विस सेंटर है वो इसी रोड पे स्ट्रेट पे ही है, बट मैं भैया को लेने जाऊँगा तो मुझे तकरीबन 1-2 किलोमीटर का रीराउट लेना पड़ेगा। ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साथ रहता है तो ये है कि थोड़ा सा टाइम पास हो जाता है। ये देखो ये छोटे छोटे झरने टाइप के आप हुआ करते थे वाटरफॉल के बाद जो रास्ते निकल जाते हैं ना वो। अभी जो रोड है मुझे मालूम नहीं है, मैंने कट तो ले लिया है, बाकी जहाँ तक मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं तो पहुँचा ही देगा होपफुली। पूछ लेता हूँ, अरे भैया ये सहजदारा रोड के लिए पीछे से जाना है या आगे से जाना है? अच्छा आगे से, क्या ये लेफ्ट कट इधर से रोड कटेगी? हाँ हाँ नीचे जाना, ठीक है नीचे जाओगे फिर लेफ्ट में जाना, लेफ्ट में जाओगे फिर आपको नीचे जाना पड़ेगा, फिर नीचे जाके फिर एक राइट जाना। ये भगवान क्या जुलूम है भैया, मेरे चार मोड़ है बस, मोड़ यही है। वैसे लोग जा रहे होंगे तो पता लग जाएगी, ठीक है धन्यवाद भैया।
भैया ने अपनी तरफ से तो भैया रास्ता समझाने की पूरी पूरी कोशिश करी, मगर इतने ज़्यादा लेफ्ट राइट हो गए कि मैं कॉन्फ्यूज हो गया। अगर जो मेरा दिमाग कह रहा है वो यही रोड है, शायद मैंने कट पहले ही ले लिया है। बाइक पे मेरा सबसे सीधा सिद्धांत रहता है, आप अपने कोऑर्डिनेट्स फॉलो करो, मतलब नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, इनको 100% आप फॉलो करके चलोगे ना, तो मैं 100% तो नहीं कह रहा कि आपका रिजल्ट रहेगा, तकरीबन रिजल्ट आपका आएगा 85% प्लस तो रहेगा ही रहेगा। अभी देखो गाड़ी जा रही तो मेन रोड का आपको अंदाजा होगा। अंकल जी सहस्त्रधारा वाली रोड के लिए किधर से जाना है? सहस्त्रधारा वाली रोड के लिए किधर से निकलना है, कौन सी वाली से? ये बगल में जो है जी अंकल ने तो रास्ता थोड़ा सही बताया है, उस वाले कट को छोड़ के अगला वाला है। तो पहुंच गए जी कके, वेरी गुड। लो जी हमारी सवारी आ गई, चलो जी पहुंच गए, पर हमें तो नीचे जाना है क्योंकि मगर गाड़ी ऐसे नीचे नहीं आएगी ना बिना जॉब कार्ड। जॉब कार्ड रहा, हाँ जॉब कार्ड बना लो, उससे क्या दिक्कत है। तो दोस्तों गाड़ी में तार डला था वो तो डल गया, बस वो ये कोई डिस्काउंट नहीं करते। और एक तो लेडी मैनेजर थी, तो क्या बात करोगे लेडी मैनेजर से, बिल्कुल ही ऑकवर्ड लगता है उनसे, फिर क्या बात करो। तो ऐसे बात कर रही बहुत ज़्यादा रूडली, मैं कह रहा मैडम यार कोई डिस्काउंट कर दो, मैडम जी कोई डिस्काउंट कर दीजिए अगर कुछ हो तो। अरे नहीं सर कोई डिस्काउंट नहीं होता यहाँ पर। चलो जी स्क्रीन गार्ड वगैरह सब लग गया भैया की शॉप से, और एक टेम्परेरी माइक भी ले लिया आवाज़ कम करने के लिए। अब उसने ऑयल डाल दिया ना मेरे गियर शिफ्टर में, अब मेरे गियर ऐसे शिफ्ट हो रहे हैं छकास। भैया की कौन सी बॉक्सर? बॉक्सर वो तो बहुत पुरानी है। तो हम भी तो पुराने बॉक्सर से चलते थे भैया, बॉक्सर की वो लाइट होती है तुमने देखी है ना? देखिए मेरी पीछे लंबी सी तीन सीट होती है। सही बात है, इस मार्केट में तो आके भैया लग रहा है बीजेपी की सरकार बहुत जोर से आई है, मतलब टोटल गेहूं का रंग यहाँ पे। तो यहाँ पे वाला गाना चलना चाहिए शाहरुख खान वाला, रंग दे तुम हे गेरुआ, रंग दे तुम हे गेरुआ। तो बेकरी से तो हमने कुछ सामान ले लिया, एक ब्रेड ही लिया बस, क्योंकि तो बाकी मैदा वैदा तो बंद कर दिया है। अब चल रहे हैं वो जिन ताजी से लगवाया था ना मोबाइल का स्क्रीन गार्ड, तो बड़ा महंगा दे रहे हैं तो वो वापस करने जा रहा हूँ। चलो जी सब्जी ले ली, दूध ले लिया, ब्रेड ले ली, अब वापस निकला जाए क्योंकि आज बहुत 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 हैप्पी बर्थडे है। बारिश तो की वो पड़ी नहीं है, नहीं तो मुझे लग रहा था कि पढ़ने का आज बारिश का पूरा पूरा मूड है। आप देख रहे हो ना मौसम कैसा है। लो जी गौतम देखो जी, इतनी देर से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने ढक्कन ही नहीं खोला गोप्रो का, सारो कालो कालो रिकॉर्ड है। आज देखो पूल साफ हो जाए, तो ऑडियो तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा, इसी से कृपया अगर अंदाजे लगा लेना कि वीडियो क्या हो सकता है। यार बहुत जोर से भूख लग रही है यार, पता नहीं कितने बजे, 4 बज रहा है यार, सुबह का सिर्फ जूस पिया है और वो खाए क्या होते हैं ड्राई फ्रूट्स, बहुत तेज भूख लग रही है। घर आ गए, नहा धो लिया हम, और अभी हमने वही कोल्ड व्हीट का सैंडविच खा लिया, बाकी खाना अभी बिल्कुल गरम गरम वो बना रही है। कारण क्या उसका मन ही नहीं करता, मैंने उससे कई बार कही भैया तू रोटी बना के रख लिया करके, नहीं गरम गरम खाएंगे मैं जी ठीक है। तो अभी हमारे बन रहे छोले बन गए, भटूरे बन रहे हैं मगर सूजी के, क्योंकि मैदा छोड़ रखी है, दो दिन हो गए मैदा छोड़े हुए, तो सूजी के भटूरे बनने, भगवान जाने अब कैसे बनेंगे, वो कर रही है लगी पड़ी है। बाकी हाँ जो मैं ये कह रहा था आप बताना, जैसे कि मेरे तो चश्मा लगा हुआ है, तो चश्मा जैसे थोड़ी देर आप लगाओ, 2-3 घंटे लगाओ, उसके बाद उतारते हो तो ऐसा लगता है मतलब फुल पावर में नहीं है आँख, बहुत जोर लगा के देखना पड़ता है, नंबर उतना ही रहता है। मतलब मुझे कभी लगता है चश्मे वालों के साथ बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी चल रही है। बारिश में बाइक चलाओ तो चश्मा कराओ, ख़राब हो जाए तो आप कुछ नहीं कर सकते। सर्दियों में होता क्या है, भाप निकलती है, जब आप मास्क लगा लेते हो तो भाप निकलती है तो चश्मे सफ़ेद हो जाते हैं, तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो क्या सोल्यूशन है इसका आप बताओ कमेंट करके, कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन है इसका जो हम कर सके, हम चश्मे वालों के लिए कम से कम आपकी तरफ से कुछ राहत हो, कृपया करके बताएं। वो आ रही है शायद, भटूरे बनने शुरू हुए, देख के आता हूं। बने बने क्या बात है, सूजी के भटूरे फूल गए, मैदा के नहीं फूले, मैदा जैसे ही लग रहे हैं, मैदा जैसे ही लग रहे हैं। देखो जी सुबह दिखाया था ना जैसे बादल उतर आए थे, तो फिर उतर आए, ये देखो सब उतर आए बादल नीचे, एवरीथिंग हैज बीन ब्लर, नथिंग यू कैन सी, ओ माय गॉड दिस मच इंग्लिश।
यहाँ एक बिल्डिंग हुआ करती थी, पता नहीं कहाँ गई। आज नहीं बैठे चंगू मंगू बंदर, आज कहीं ना बैठे, मुझे लगा बारिश के टाइम पे ही आते हैं। छोले एंड भटूरे, अब ये टेस्ट करके पता लगेगा कि खाने वाले हैं कि सिर्फ बनाने वाले हैं। बढ़िया बढ़िया अवकाश। तो चलिए दोस्तों, अभी बज रहे हैं रात के 1 और इस व्लॉग को एंड करते हैं। खाना वगैरह हमने सब खा लिया था और कुछ काम थे वो भी निपटा लिए थे, शूट कर नहीं पाया, तो व्लॉग को एंड करते हैं। मिलेंगे कल के व्लॉग में। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो भाई शेयर कर देना, कमेंट कर देना अगर कुछ क्वेरी हो या कोई बातचीत करनी हो तो, बाकी लाइक कर देना अगर ठीक ठीक लगा हो वीडियो तो। ठीक है, तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। राधे राधे।